नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूँ सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिषन वास्तु में। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ विशेष चीज के बारे में। जी हाँ, शुरू होने वाली है माघ मास की गुप्त नवरात्रि। गुप्त नवरात्रि का अपने आप में विशेष महत्व होता है। पूरे साल में चार नवरात्रि आती है, जिसमें से दो नवरात्रि गुप्त होती है और बहुत कम लोगों को पता चल पाता है कि गुप्त नवरात्रि शुरू हो चुकी है। यहाँ पर गुप्त नवरात्रि का बहुत ही ज़्यादा महत्व है और स्पेशली जब वो गुप्त नवरात्रि माघ मास में पड़े तो उसका अपना एक महत्व होता है। दुर्गा के नौ रूपों की आराधना करी जाती है नवरात्रि के समय में। माँ दुर्गा के नौ रूप अगर आपको नहीं पता हो तो मैं बता देता हूँ। माँ शैलपुत्री, माँ ब्रह्मचारिणी, माँ चंद्रघटा, कुष्मांडा माता, स्कंद माता, कात्यायनी माता, कालरात्रि माता, माँ गौरी माता और माता सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। यहाँ पर एक्चुअली जो गुप्त नवरात्रि होती है दोस्तों, उसका पूजा साधना मंत्र से बहुत ही ज़्यादा विशेष महत्व है। अगर आप भी गुप्त नवरात्रि का पूरा पालन करते हैं और गुप्त नवरात्रि में माता की पूजा करते हैं तो आपके भी कहीं ना कहीं काफ़ी सारी मनोकामनाएं जो है वो पूरी हो जाती है। जो मैंने जैसे कहा चार नवरात्रि आती है, उसमें से जो दो गुप्त नवरात्रि होती है वो माघ मास में मनाई जाने वाली गुप्त नवरात्रि होती है और दूसरी आषाढ़ मास में मनाई जाने वाली गुप्त नवरात्रि होती है। उसके अलावा जो दो नवरात्रि होती है, एक चैत्र नवरात्रि होती है, दूसरी शारदीय नवरात्रि होती है। तो यहाँ पर इस तरह से नवरात्रि में देखिए, जो माघ मास की नवरात्रि होती है उसमें क्या किया जाता है, उसमें माघ मास की नवरात्रि में शिशिर नवरात्रि को भी माघ मास की नवरात्रि को शिशिर नवरात्रि के नाम से भी जाना जाता है और माघ मास की नवरात्रि में मंत्र साधना और उपासना का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। जब सीज़न चेंज हो रहा होता है, सर्दी से गर्मियाँ शुरू हो रही होती है, होली के आसपास जब भी त्यौहार पड़ता है तो इसका महत्व यही है कि आप अपने आप को किस तरह से मजबूत करते हैं, आप अपने आप को किस तरह से आगे प्रिपेयर करते हैं और आप कैसे माता की आराधना करके अपने कामों को निकलवाने का प्रयास करते हैं, कैसे आप पूजा आराधना करके अपने जो सारे जीवन के दुख हैं, दर्द हैं, उन्हें ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। 12 फरवरी 2021 ये वो डेट है दोस्तों जब माघ मास की गुप्त नवरात्रि यहाँ पर शुरू होने वाली है। यहाँ पर माघ मास में जो गुप्त नवरात्रि पड़ रही है, जो कि 12 फरवरी से शुरू होने वाली है दोस्तों, इसमें आप सभी को क्या विशेष करना है, क्या खास करना है, ये मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। किस तरह से पूजा अर्चना की जाती है माँ की, देखिए तरीका बिल्कुल सेम होता है। यहाँ पर आपको पहले दिन माता की प्रतिमा की स्थापना करनी होती है और उसके बाद 9 दिनों तक पूजा करनी होती है और 9 दिनों तक स्पेसिफिक मंत्र और उच्चारण के साथ आपको इसमें अपना ध्यान लगाना होता है। तो जिस तरह से आप पूजा करेंगे और जिस तरह से आप माँ की आराधना करेंगे, उस तरह से आपको इसके फल मिलते जाएंगे। मैं आपको एक बेसिक पूजा की विधि बता देता हूँ और एक बेसिक माँ का मंत्र बता देता हूँ, जिससे कि आपको गुप्त नवरात्रि में बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलेगा और आप अपने आप में पूरी तरह से हर दुख और दर्द को ख़त्म करने में अपनी मदद कर पाएंगे। देखिए जो प्रोसेस है पूजा का, बड़ा सिंपल है। आपको माता की प्रतिमा स्थापित करनी होती है। प्रतिमा में आप चाहे तो कोई चित्र लगा सकते हैं, कोई तस्वीर रख सकते हैं या फिर आप मिट्टी की मूर्त भी रख सकते हैं। उसके बाद पूजा आराधना का विशेष महत्व होता है, तो जैसे कि माँ को लाल चुनरी ओढ़ाई जाती है वो आपको ज़रूर लेके आनी है। आम के पत्ते आपको ज़रूर रखने हैं, कलश स्थापित जिसका किया जाता है, आम के पत्तों का कलश स्थापित होता है वो आपको ज़रूर रखना है। दिया जब भी आप लगाएंगे चावल ज़रूर रखेंगे उसके नीचे, साथ ही साथ माता की प्रतिमा के नीचे भी थोड़े से चावल के दाने ज़रूर रखने हैं, ये एक ज़रूरी चीज़ होती है। साथ ही साथ अगर हम देखें तो लाल कलावा जिसको हम हाथ में बांधते हैं वो भी पूजा में होना चाहिए। यहाँ पर लाल चंदन होना चाहिए, गंगा जल हो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, नारियल आपका होना चाहिए, कपूर आपका होना चाहिए, अगरबत्ती आपकी होनी चाहिए, साथ ही साथ जौ के बीज आपके होने चाहिए पूजा में। और जो भी आप बर्तन इस्तेमाल करें, दिया इस्तेमाल करें, अगर वो मिट्टी का हो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है। तो अगर ये भी आप कर लेते हैं तो उसमें भी आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। साथ ही साथ पुष्प आपको डेली चढ़ाने होते हैं और पूजा की थाली जो आपकी होती है उसमें सुपारी ज़रूरी होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। पान का पत्ता और उसके ऊपर सुपारी और उसके ऊपर लौंग एक रखा हुआ होना चाहिए, ये भी विशेष ध्यान रखिएगा। तो ये आपका और होना चाहिए और इलायची और आपका प्रसाद, जो भी आप डेली कोई भी प्रसाद चढ़ाएं वो माता की पूजा के लिए ज़रूर रखें। तो ये दोस्तों ये आपके हो गए कि आप किस तरह से माता की पूजा करेंगे, माता की आराधना करेंगे और किस तरह से डेली जो सामग्री आपको रखी रहनी चाहिए वहाँ पर पूजा स्थान पर, वो मैंने आपको बता दी।
यहाँ पर किस चीज़ का हमें पाठ करना है, क्या चीज़ का हमें ध्यान करना है जिससे कि हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा परिणाम मिले, हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिले और माँ का आशीर्वाद हमें सालों साल बना रहे। यहाँ पर दोस्तों माँ के आशीर्वाद के लिए हमें क्या करना है, दुर्गा सप्तशती का पाठ करना है। जी हाँ, दुर्गा सप्तशती का पाठ जो है वो हमें काफ़ी सारी नेगेटिविटी से बाहर निकालता है, हमारे जीवन की परेशानियों से दूर रखता है और हमें हर तरह से कहीं ना कहीं चीज़ों को सॉल्व करने में मदद करता है। दुर्गा सप्तशती में एक दुर्गा कवच का पाठ आता है, वो आप अनिवार्य तौर पर ज़रूर से करें क्योंकि दुर्गा सप्तशती को डेली करना हो सकता है कि आपके लिए मुश्किल हो जाए कभी कभार, बट दुर्गा कवच का पाठ आपको ज़रूर से करना है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। दुर्गा कवच के पाठ के बाद आपको एक मैं मंत्र बता रहा हूँ, ये मंत्र आपको डेली उच्चारण करना है। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वाद साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। एक बार वापस बोल देता हूँ, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वाद साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते। ये मंत्र आपको YouTube पे भी मिल जाएगा, ये मंत्र आपको Google पे भी मिल जाएगा। आप इस मंत्र का डेली कम से कम 21 बार उच्चारण करना ज़रूर शुरू करिएगा और माँ की आराधना के बाद वहाँ का टीका अपने माथे पर ज़रूर लगाइएगा। इससे क्या होगा, इससे आपकी जो भी मनोकामना होगी, आपकी जो भी विश होगी, आप जो भी चीज़ चाहते हैं, जो भी चीज़ पूरी करना चाहते हैं, वो आपकी यहाँ पर ज़रूर से पूरी होगी। तो ओवरऑल देखा जाए दोस्तों, तो ये जो नवरात्रि रहेगी, गुप्त नवरात्रि रहेगी, ये आपके कष्टों को दूर करने के लिए होती है। गुप्त नवरात्रि का जो मेन महत्व होता है कि कोई ऐसे कष्ट आपके जीवन में जिसके कारण से आपको बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हो रही है, तो आप अगर गुप्त नवरात्रि में माँ की पूजा करते हैं तो वो कष्टों को दूर करने में आपकी मदद करती है। और यहाँ पर इस नवरात्रि में भी जैसे जैसे मैंने आपको बताया है आपको क्या क्या करना है, किस तरह से पूजा आराधना करनी है, किस तरह से आपको मंत्र जाप करना है और किस तरह से आपको माँ का पाठ करना है, दुर्गा सप्तशती और दुर्गा कवच, स्पेशली दुर्गा कवच जरूर करिएगा। इससे नेगेटिव रिजल्ट्स आपको नहीं मिलेंगे और आपके आसपास की नेगेटिविटी आपसे दूर हो जाएगी और वहाँ पर आपको फ़ायदा देखने को ज़रूर मिलेगा। तो दोस्तों ये आपको करने से आपको ज़रूर से फ़ायदा मिलेगा। अगर कहीं पर भी कोई भी दिक्कत आए, कोई भी चीज़ नहीं समझ में आए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं कमेंट बॉक्स के माध्यम से आपको ये जो प्रॉब्लम है, आपकी जो समस्या है, आपके जो सवाल हैं, उनके आंसर्स देने की कोशिश करूँगा और कोशिश करूँगा कि आपको पूरी पूरी मदद कर पाऊँ और आप इस गुप्त नवरात्रि में अपने जीवन को और भी ज़्यादा सफल बना पाएँ। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे कुछ क्लिक ज़रूर से कर दीजिएगा। इसके अलावा वीडियो को जहाँ जहाँ शेयर कर पाएँ प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने कामों को सफल कर पाएँ। इसके अलावा अगर मुझसे कभी भी कुछ भी पूछना है आप पूछ सकते हैं। कुंडली एनालिसिस करवाना चाहते हैं जो कि मैं पेड एनालिसिस करता हूँ, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, मैं पूरी पूरी कोशिश करूँगा आपकी हर संभव मदद यहाँ पर कर सकूँ। धन्यवाद।